आरपी टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे फैंटास्टिक खबरें भी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोजाना आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते दोस्तों सैमसंग से। फिर सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7 सीरीज में इस बार कहा जा रहा है एक्सिनोस W1000 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है, जो कि सैमसंग की खुद की चिपसेट रहेगी और ये सैमसंग की सेकंड जनरेशन चिपसेट होने वाली है एंड 3nm पर बेस्ड होगी, जो कि कहा जा रहा है कि भी जो एप्पल की वॉच आएगी जिससे स्पीड एंड एफिशिएंसी के मामले में ये काफी ज्यादा ही आगे रहेगी। जी हाँ, अब ये तो क्या है कि भाई लॉन्चिंग के बाद पता चल सकता है। वैसे देखते हैं दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7 सीरीज हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाती है। दोस्तों, उले फोन की बात करते हैं जिन्होंने अपना नया स्मार्टफोन आर्मर 26 अल्ट्रा जिसे लॉन्च कर दिया है। और ये स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। 6.78 इंच की 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली में FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 200+50+60+8 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा होने वाला है। 12GB रैम, 512GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। वैसे दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन जिसके सबसे की हाईलाइट पॉइंट है वो है उनकी बैटरी, जो कि 15600mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, एंड 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अगर कोई हार्डकोर गेमर से जो कि पूरे दिन गेम खेलना चाहता है स्मार्टफोन में, तो ये परफेक्ट स्मार्टफोन है उन सभी यूजर्स के लिए जहां पर आप जितनी मर्जी चाहे उतनी गेम खेल सकते हो पूरे दिन, पर आपकी बैटरी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, वैसे दोस्तों, ये स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो इसकी जो प्राइस है अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो कुछ 65,000 रुपीज के आसपास है। वैसे दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि आप चाहते हो कि इस टाइप के स्मार्टफोन को भारत में भी लॉन्च होना चाहिए, क्या सोचे कमेंट में बताइए। Vivo की बात करें दोस्तों, तो Vivo ने हाल ही में अपने 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया हुआ है चाइना में, Vivo X100S, Vivo X100S Pro एंड Vivo X100 Ultra, जहां पर आज हम बात करेंगे 2 स्मार्टफोन की, Vivo X100S एंड Vivo X100S Pro के बारे में। जहां पर अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो वे दोनों स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9300+ चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। 6.78 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आने वाली 80 LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ दोनों ही स्मार्टफोन में। 50+50+64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन में। वैसे दोस्तों, यहां पर जो डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है वो है बैटरी का। Vivo X100S स्मार्टफोन में 5100mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 100W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। हालांकि जो Vivo X100S Pro है जिसमें हमें 5400mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है 100W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। हालांकि 50W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है Vivo X100S Pro स्मार्टफोन में। वैसे इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में IP69 की रेटिंग, Wi-Fi 7, Bluetooth version 5.14 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जी हां, और यहां पर दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो भाई Vivo X100S ये जो स्मार्टफोन है जिसका बेस वेरियंट जिसकी प्राइस रखी है 3999 चीनी युआन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो कुछ हो जाता है 46,158 रुपीस के आसपास। जहां पर अगर बात करें Vivo X100S Pro स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो इसकी जो प्राइस है वो चाइना में रखी है 4999 चीनी युआन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो कुछ 58,860 रुपीस के आसपास देखने को मिलेगा। वैसे देखते हैं दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन में कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाते हैं। OnePlus की बात करें दोस्तों, OnePlus के में 2 स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाले, पता है कौन से? OnePlus Nord 4, OnePlus Nord CE 4 Lite। वैसे दोस्तों, कहा जा रहा है OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें Qualcomm Snapdragon 7+Gen 3 चिप से देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो OnePlus Nord CE 4 Lite होगा जिसमें कहा जा रहा है भाई Qualcomm Snapdragon 6Gen 1 चिप से देखने को मिलने वाली है एंड OLED डिस्प्ले भी होगी। जी हाँ, अब देखते भाई OnePlus Nord 4, OnePlus Nord CE 4 Lite ये दोनों स्मार्टफोनों में कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाते हैं।
ओप्पो की बात करें दोस्तों, भी ओप्पो की ओर से काफी अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। वे कहा जा रहा है ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज फिर से एक बार वापसी कर सकती है भारत में। जी हाँ, जहां पर एज पर सोर्स कहा जा रहा है कि भाई ओप्पो फाइंड एक्स 8 सीरीज होगी जो कि मैं बहुत ही जल्दी भारत में देखने को मिलेगी। 100% कंफर्म नहीं है पर ऐसा कहा जा रहा है। और ओप्पो की जो अपकमिंग रेनो सीरीज आएगी जिसका पूरी तरीके से जो फोकस है वो AI पर होने वाला है। अब देखते हुए ओप्पो रेनो 12 सीरीज बहुत ही जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाली है, वो हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाती है। दोस्तों क्वालकॉम की बात करें तो भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक्स प्लस ये जो चिपसेट है जो कि लैपटॉप की चिपसेट है, और ये चिपसेट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसकी जो कॉस्ट है वो इंटेल के चिपसेट से हाफ प्राइस में। जी हाँ, अगर यहाँ पर कंपनी अलाउ कर देती है तो भाई आपको जो लैपटॉप की प्राइस है वो काफी कम देखने को मिलेगी अगर इंटेल के चिपसेट वाले लैपटॉप से कंपेयर किया जाए तो। वैसे काफी अच्छी बात है दोस्तों। अब देखते हैं भाई यही चिपसेट के साथ आने वाला सबसे पहला कौन सा लैपटॉप होता है जो कि हमें भारत में देखने को मिल जाता है। सैमसंग की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 Ultra, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 FE, ये तीनों स्मार्टफोन कहा जा रहा था हमें देखने को मिलने वाले, पर अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है कि भाई सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 FE ये जो स्मार्टफोन है जिससे कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, यानी कि सिर्फ दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमें जुलाई मंथ में देखने को मिल सकते हैं। वैसे देखते हैं दोस्तों भी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6, Z Fold 6 Ultra दोनों स्मार्टफोन के क्या स्पेक्स होते हैं, इसे किस कीमत पे कितनी ही जल्दी लॉन्च किया जाता है। लेट्स सी। ओप्पो की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, ओप्पो रेनो 12 सीरीज की हाल ही में अभी बात हुई कि मैं बहुत ही जल्दी चाइना में देखने को मिलेगी, वह लॉन्चिंग डेट भी कंफर्म है। वैसे दोस्तों ओप्पो रेनो 12 सीरीज 23 मई को लॉन्च होने वाली है चाइना में, और यही सेम इवेंट में ओप्पो अपना एक नया TWS भी लॉन्च करेगा, ओप्पो इनको एयर 4 प्रो। वैसे दोस्तों ओप्पो रेनो 12 सीरीज कहा जा रहा है ग्लोबली एंड भारत में हमें जून मंथ में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों ओप्पो रेनो 12 सीरीज में हमें क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसे किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है। लेट्स सी। काम के दिल की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए मोबाइल फोन टेबल टॉप होल्डर वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों ELV के और से वाला मोबाइल फोन टेबल टॉप होल्डर अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रहा है, और इसी के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें मैटलिक बॉडी के साथ आने वाला है जो ब्लैक शाइनिंग टेबल टॉप होल्डर है जिसमें आपको एंटी स्लिप बॉटम देखने को मिल जाएगा। वैसे 3 मंथ की वारंटी भी देखने को मिलने वाली है, और ये जो टेबल टॉप होल्डर है जिसमें आप अपना मोबाइल चाहे आप आपका टैबलेट भी रख सकते हो। जी हाँ, और क्या चाहिए। और यही टेबल टॉप होल्डर की अगर कीमत की बात करें तो अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ 84 रुपीज में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, सेनुआ सागा हेलब्लेड 2 ये जो गेम है जो कि 21 मई को रिलीज होने वाली है। जी हाँ, वैसे दोस्तों ये गेम आपको एक्सबॉक्स सीरीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी कि PC पर देखने को मिल जाएगी, और ये गेम के ग्राफिक्स काफी दमदार होने वाले हैं, स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी होगी ऐसा कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों एक एक्शन एडवेंचर गेम रहेगी, अगर आपको इस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है तो ये गेम आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाली है। वैसे दोस्तों आप हमें ये बताइए कि भाई आपकी सबसे पसंदीदा एडवेंचर गेम कौन सी है, चाहे PC पे, चाहे कंसोल पे, चाहे स्मार्टफोन पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।